गुरु रामदास जी नगरी तो आए महापुरुषों के असी दर्शन किए एकदम सचीव चित्रण तख्त श्री दरबार साहब श्री अमृतसर का असी उदा आनंद लाहा किता असी देखिया। ज्ञानी साहेब सिंह जी के द्वारा अरदास की गई तो नाले विचार साढ़े अगे डूंगे विचार उन्होंने रखे। ज्ञानी प्रेम सिंह जी वालों भी असी बहुत सोहने विचार सुने जो साड़ी जिंदगी वास्ते सेहत सानू देणगे। ते हजूरी रागी श्री दरबार साहब भाई शुभजीत सिंह जी उन्होंने कीर्तन कर साड़ी रूहां विच इलाही बाणी का नूर साड़ी रूहां विच वरसाया और सब तो वड्डे सानू दर्शन जो सच सज्जन परिवार वालों जो उन्हां दी पूरी वंशावली इत्थे आई हुई है गुरु अमरदास पिता महाराज जी दे जोड़ियां दे दर्शन चरण पादुका दे दर्शन सानू प्राप्त होए बहुत वड्डा साडे ते परमात्मा ने रहमत कीती। और गुरुद्वारा सदर विखे ना केवल लखनऊ दी संगत पर आले दुआले दी संगत जिसे कि टांडा दी संगत गोरखपुर दी संगत भी अज इत्थे पुज्जी है दर्शन वास्ते। तो असी ऋणी हाँ इन महापुरशां दे जिन्हां ने अपना कीमती समा कढ के इन्नी दूर अमृतसर तो चल के आए हैं। तो हुण बेनती है ज्ञानी प्रेम सिंह जी दे अगे ते ज्ञानी साहिब सिंह जी दे अगे साडे डॉक्टर्स जिन्हां ने मेडिकल कैंप लगाया साडे ब्लड डोनेशन वाले ते साडे अपने पैथोलॉजी जो गुरुद्वारा सदर विखे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पैथोलॉजी लगी है और एक अंग है बंगला साहब गुरुद्वारे तो बाद पहली पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर किसी गुरुद्वारे विखे खुलिया है जिन्होंने आपके दर्शन भी करके जाने हैं। ते ओ सेंटर दे बंदे बच्चे भी थे हैं आप जी ने इन सारियां दे सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से आप दोनों महापुरुषों ने इन्हों हौसला अफजाई करनी है। कृपा करके खालसा जी सब तो पहले ट्रॉफीज ज्ञानी जी ज्ञानी प्रेम सिंह जी ज्ञानी साहिब सिंह जी कृपा करके डॉक्टर सारे खड़े हो जाए और साढ़े बोले सोनिहाल गुरु हराय डायग्नोस्टिक सेंटर के जितने भी लैब असिस्टेंट हैं कृपा करके आ जाए और हौसला अफजाई लें। बोले सोनिहाल आपका सौभाग्य है जो आप महापुरुषों के द्वारा परमात्मा की बख्शिश प्राप्त कर रहे हैं। बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल ते नाले हेड ग्रंथी साहब जी क्योंकि गुरु घर के वजीर सम्मानित हैं और गुरुद्वारा सदर की परंपरा है कि महापुरशा नू सरोपा सत्कार साढ़े हेड ग्रंथी साहब वालों किया जाता है। कृपा करके ज्ञानी हरविंदर सिंह जी अगर बेनती है ज्ञानी प्रेम सिंह जी नू ज्ञानी साहेब सिंह जी नू कृपा करके सुरूपा सत्कार देने की कृपालता करन। बोले सोनिहाल ज्ञानी प्रेम सिंह जी बोले सोनिहाल ते जोड़िया दे सत्य कथावाचक बोले सोनिहाल कथावाचक ज्ञानी विशाल सिंह जी जिन्होंने बहुत डूंगी बड़ी सोहनी कथा की। नाले सत्य वंशावली बोले सोनिहाल शमशेर सिंह गुलजिंदर सिंह बलजिंदर सिंह पूरा जो इतने बंदे हैं जिन्होंने महाराज के दर्शन करते कराए हैं सानू जोड़िया दे उन्हों का भी सत्कार इतने किया गया। सात संगत जी
गुरुद्वारे विखे मेडिकल कैंप चल रहे हैं, आप जी ने फायदा लेना है। ब्लड टेस्टिंग का कैंप चल रहे हैं, वक्त टू वक्त ब्लड डोनेशन भी आप जी ने करना है। विनती है साध संगत जी, एक विनती होर है। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शामी 5:30 बजे मीटिंग इतने रखी गई है। गुरुद्वारे पंजाब से जानते हैं हड़ आया है, फ्लड आया हुआ है, और बड़ी सानू खुशी की गल है कि साढ़े वीर जिते कि फ्लड आया जलंधर के आस पास, वो हिमाचल ही जाके सेवा कर रहे हैं। तो साड़ी ड्यूटी अच की बनती है, जिते साढ़े वीर आपदा आई है, साड़ी भैणा से आपदा आई है, जलंधर, सुल्तानपुर, लोधी, पटियाला, इन क्षेत्रों से बाढ़ का बहुत वड्डा प्रभाव है। तो सारी जथेबंदियों अपील है, गुरुद्वारे कमेटियां नू अपील है कि यह शाम की मीटिंग 5:30 बजे जरूर अटेंड करें। संगत भी अटेंड कर सकती है, ताकि किस तरह असी एटलीस्ट अपने वीरां दी भैणां दी उत्थे जाके मदद करिए। यह साड़ी लाजमी ड्यूटी है, और दुख की गल है कि इतों जथेबंदियां इस गल नू सोच नहीं रही हैं, और सानू सेध होनी चाहिए कि जो पूरे विश्व नू अपने हत्थां नाल सेवा करते हैं, असी अज उन्हां दी सेवा से वांझे हाँ। तो आओ असी उन्हां दी सेवा तों वांझे ना ही ना रहिए, तो पंजाब के अंदर जाके अपनी सेवा निभाइए। यह साढ़े लिए बहुत जरूरी है। मैनू बेनती है ज्ञानी प्रेम सिंह जी देके, ज्ञानी साहिब सिंह जी देके कृपा करके इन्हों भी भेटा देने की कृपालता करनी, जो जोड़िया वाली सेवा लेके आए उन्होंने भी भेटा देने की कृपा। तो नाले ही असी बहुत ही शुक्रगुजार हाँ सरदार मनप्रीत सिंह जी दे, सरदार हरजीत सिंह जी दे, सरदार जसमीत सिंह जी दे, जिन्हां ने गुरुद्वारे इन्ना वड्डा प्रोग्राम सोचते हुए कोई साढ़े को गलती हुई तो सू माफ़ करने की कृपालता आप जी ने करनी जी। आओ सारा मिलके गुरु फतेह की सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की सतनाम। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु।